हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ सोयाबीन की सब्ज़ी। आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी तो बहुत से लोग खाए होंगे, बट सिर्फ सोयाबीन की सब्ज़ी आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो उसका रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ आप लोग को आगे, तो बने रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं ठंडा पानी ली हूँ सोयाबीन को फूलने के लिए डालूँगी। तो आप लोग चाहे तो गर्म पानी में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं ठंडे पानी में ही डाल रही हूँ। तो गर्म पानी में होता है तो बहुत जल्द ही फूल जाता है, उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सो आलू और गोभी की भुजिया बना रही हूँ। और बाकी यहाँ पे दाल भी बन चुका है और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली 5 से 7 मिनट हो गए हैं सोयाबीन का फूला हुआ। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और मसाले में मैं ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जीरा है, काली मिर्च है, लहसुन और अदरक। तो ये सब का मैं पेस्ट बनाऊंगी। और साथ में मैं प्याज भी कट की हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि दोस्तों प्याज थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि मैं आलू नहीं मिक्स कर रही हूँ, सिर्फ सोयाबीन का सब्ज़ी बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा प्याज ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मैं इतना सारा प्याज कट की हूँ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ। तो चलती हूँ, सबसे पहले सोयाबीन को फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी जो मैं आप लोग को दिखाई देख सकते हैं। और बाकी मैं मसाला मैं क्या क्या मिक्स करूँगी वो आप लोग को दिखाऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में कंटिन्यू और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए। और तेल जो है से बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भुजिया गोभी और आलू का मस्त बन चुका है। चलती हूँ, इसे पानी निचोड़ लेती हूँ अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सोयाबीन जो है से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त गोल्डन और ब्राउन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो मैं अदरक लहसुन काली मिर्च और जीरा का भी पेस्ट बना ली हूँ। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला ली हूँ 1/2 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब मिर्च पाउडर है, और 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर है। तो चलिए अब चलती हूँ बनाने, और कढ़ाई भी गर्म हो गया है आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा इस तरह से मैं क्या क्या मसाला ली हूँ और किस तरह से मैं सोयाबीन की फ्राई की हूँ। तो अब चलती हूँ ये प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें मसाला डालकर मिक्स करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में कंटिन्यू। और कैसा लग रहा है आपको वीडियो देखने में आप लोग ज़रूर बताइएगा। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग बने रहिए। और यहीं पे मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और यहीं पे मैं थोड़ा सा जीरा को भी ऐड कर देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्याज जो है सो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और इसी में मैं मसाले को ऐड कर देती हूँ, इसे मिला लेती हूँ।
तो दोस्तों मसाले को बिल्कुल अच्छे से भुनाने देते हैं, क्योंकि अच्छे से भुनाएगा तो सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग आता है। तब तक के लिए आप लोग वेट करिए और मैं मिलती हूँ आप लोग से बस थोड़ी देर में। आप लोग देख सकते हैं मसाला जो है इसे बिल्कुल अच्छे से भुना चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैं इसमें अब ग्रेवी के अनुसार जार में पानी को ऐड कर देती हूँ, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। और इसे अब 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी, फिर अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग उसे उतार लूँगी। तो आप लोग वेट करिएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली सोयाबीन की सब्जी जो है सो बनकर रेडी हो चुका है, और कितना मस्त बना है क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही टेस्टी और मस्त बना है। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा ऐसे बनाने का, और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो मैं मिलूँगी किसी नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए कंटिन्यू और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय और टेक केयर।